नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी बारिश तो कभी तेज हवाओं से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। बारिश होने के कारण क्षेत्र में रातें सर्द होने लगी है तथा लोग रात के समय गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं मंगलवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई। कोहरे ने क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया तथा वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। हाईवे पर वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते रहे। देर रात क्षेत्र में छाए घने कोहरे का असर मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक देखने को मिला। किसानों का मानना है कि कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित होगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण सर्दी जुकाम के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़ी है। वहीं सोमवार को दिन भर बादलों की आवाजाही रही। समय से पहले सर्दी की दस्तक होने के कारण आमजन इस बार तेज सर्दी पड़ने की संभावनाएं भी जता रहे हैं। आज रतनगढ़ में घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण वहाँ चालकों को काफी परेशानी और संकट का सामना करना पड़ा। इसके मद्देनजर वाहन चालकों की गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से रही और आम जन को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम 2-3 दिन से खराब हो रहा है और किसानों के लिए फायदा है। फायदा मौसम है और ये चीज़ फसल में है हो रहा है। बूंदाबांदी से पाल आ गए भी सौर की, थोड़ी बरसात हो जाए तो। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि जिले के सरकारी विद्यालय स्मार्ट क्लास इंटरनेट सुविधाओं से युक्त हो और इनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो। ऐसे हमारे प्रयास रहने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर माहौल मिले और जिले में शैक्षणिक गतिविधियां बेहतर हो। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभागार में शिक्षा विभाग की जिला निष्पादन समिति एवं मिड डे मील बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने CEO हरिराम चौहान एवं CDEO संतोष मैर्सी से कहा कि सांसद निधि से जिन विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति निकली हुई है, उनमें तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति निकालने की कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण करें। इसके अलावा जिन 229 विद्यालयों में कनेक्शन के लिए ऑर्डर किए जा चुके हैं, उनमें से कनेक्शन से शेष विद्यालयों की सूची BSNL को उपलब्ध करवाएं। इस दौरान तारानगर प्रधान संजय कसवा, CDEO संतोष मैर्सी, DEO निसार अहमद खान आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बेटियों के उपचार में परिवार के लिए सहारा बनकर आई है। जिले में पिछले माह हुए उपचार में 3 बेटियों को योजना ने नया जीवन दिया है। बेटियों के चेहरे की मुस्कान ने उनके जीवन के साथ परिवार में खुशियां भर दी है। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि रतनगढ़ की 20 वर्षीय बेटी कविता के दिल में छेद का ऑपरेशन, सरदार शहर के निवासी इमरान की 9 वर्षीय बेटी तनु के दिल की बीमारी का उपचार व राजगढ़ क्षेत्र के जुगल सिंह की बेटी भूमिका के चेहरे पर फोटो के पास हुई गांठ का उपचार निशुल्क हुआ। चूरू नगर परिषद सभापति ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर शहर के विभिन्न वार्डों में 7 करोड़ की लागत से बनने वाली 34 सड़कों का ब्यौरा दिया। सैनी ने कहा कि इनमें से कुछ सड़कों का निर्माण हो चुका है व कुछ का जारी है। सभापति ने हाल ही में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता में लगाए आरोप का खंडन करते हुए कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है वे किसी भी पद पर आसीन नहीं है तथा कथित नेताओं के चलते ही राजेंद्र राठौड़ की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। सभापति ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय विधि संगत कार्रवाई करते हुए ACB में शिकायत करें। राठौड़ लगातार जैसे काम कर रहे हैं, इस तरह जो 1800 वोटों का आंकड़ा है वह 18,000 की हार की तरफ ले जाएगा। साहब की तरफ से ऐसा कोई बयान आया भी नहीं है और मुझे नहीं लगता आएगा भी। जहां तक इन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इनकी वजह से ही 18,000 का जो आंकड़ा था वो 1800 पर आ गया है और निश्चित रूप से अगर इनके क्रियाकलाप ऐसे ही रहे तो अगला जो चुनाव होगा उसके अंदर ये 1800 से बढ़कर फिर से 18,000 हो जाएगा और 18,000 से उनको भारी जो है हार का सामना करना पड़ेगा। जिन तथा कथित लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, BJP के लोगों के द्वारा, और जिन्होंने जो ना ही किसी पद के ऊपर भी है कहें, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी मैं कौन खामा खां, और उन खामा खां के द्वारा ही जो है वो दिन प्रतिदिन जो हमारे विधायक साहब उनकी लोकप्रियता जो है वो घटती जा रही है। आज चूरू नगर परिषद की अभिशंसा के ऊपर मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 में करीब 7 करोड़ की लागत से 34 सड़कों का टेंडर जो है वो 5 तारीख को लगाया गया था, जिसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पूरे चूरू शहर के अंदर पिछली बजट घोषणा में हमने करीब 12 सड़कें जो है वो 6 करोड़ की लागत से ली थी, जो
जिनमें 80% रोडों का काम कंप्लीट हो चुका है, 20% जो वो चल रही है। अभी जो वार्ड रह गए थे, जो मुख्य सड़कें चुरू शहर में रह गई थी, उन सभी का चयन करते हुए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के कांग्रेस बीजेपी सभी के वार्ड सम्मिलित करते हुए हमने जहाँ जहाँ पर जनता की मांग आई वो सभी सड़कें, करीब 34 सड़कें जो हैं हमने ली है, और आने वाले वित्तीय वर्ष में 34 सड़कें जो हैं वो मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत बन जाएंगी। रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के सौजन्य से 2 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ आज शास्त्री नगर स्थित पौदार पैलेस गेस्ट हाउस में हुआ। शिविर का शुभारंभ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी, कांग्रेस के जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, पार्षद रामगोपाल चौधरी व राजेंद्र बबेरवाल ने फीता काट कर किया। शिविर में पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस एवं दबी हुई नस आदि रोगों से ग्रसित 200 लोगों का वैद्य जिग्नेश भाई पटेल ने उपचार किया। शिविर में अशोक बाजोरिया, रामरतन कंदोई, वासुदेव सांगानेरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ के इस पावन धरा पर रतनगढ़ नागरिक परिषद की ओर से समस्त ने मिलकर के ये जो कैंप पहले भी आयोजन किया, आज भी इसका आयोजन है, जिससे जो पेशेंट है उसको पीठ दर्द हो या और कोई प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल पेन हो, उसमें ये डॉक्टर से दिखवा करके फ्री इलाज करवाते हैं। और यहाँ आने पे इस बात का पता चला कि पेशेंटों को काफ़ी फायदा है और ये पुण्यार्थ का काम करते हैं, इससे निश्चित रूप से पेशेंटों को फायदा भी मिल रहा है और भविष्य में भी इनका ये कहना है कि इस तरह के हम कैंप लगातार इस शहर के अंदर कंटिन्यू कराते रहेंगे। लायंस क्लब चूरू जिला अंधता निवारण समिति एवं MRS के सहयोग से गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के आर्थिक सौजन्य से राजकीय बच्छावत नेत्र अस्पताल में चल रहे मोतियाबिंद नेत्र ऑपरेशन शिविर में आज दूसरे दिन 35 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए। क्लब प्रवक्ता सुनील रंजन टकनेत ने बताया कि 3 दिवसीय ऑपरेशन शिविर के दूसरे दिन आज डॉक्टर शशिधर, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर संदीप बिजारणिया व डॉक्टर सुनील झाझड़िया की टीम ने 35 ऑपरेशन किए। इस दौरान भामाशाह गौरीशंकर मंडावेवाला, निर्मला मंडावेवाला एवं क्लब अध्यक्ष संजय कसवा आदि ने रोगियों की कुशल क्षेम पूछी। यहाँ मरीजों के लिए सारी प्रकार की व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने बैठने की। मैं टोंक से आया हूँ यहाँ पे। टोंक से इतनी दूर क्यों करवाने आए आप? मेरा विश्वास था कि भाई यहाँ बहुत बढ़िया काम होगा। इससे पहले कितने दिन पहले आपने? 2 साल पहले मैंने मेरी एक आँख का ऑपरेशन करवाया था, जब से मेरा विश्वास जमा हुआ है यहाँ। के नाम आपको? सत्यनारायण शर्मा मेरा नाम। बाकी और व्यवस्था भी बढ़िया हो रही है? सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, खाने पीने की, खाने पीने की, चाय नाश्ते की। नर्सिंग स्टाफ पूरा अच्छी तरह से देख रहा है? पूरा तनदेही से काम करता है नर्सिंग स्टाफ भी। गांव घांगू में आज कृषि विभाग चूरू द्वारा किसानों को सरसों का उन्नत बीज निशुल्क वितरित किया गया। सरसों का यह उन्नत बीज सिंचित खेती करने वाले किसानों को ही वितरित किया गया। इस मौके पर समाज सेवी परमेश्वरलाल दर्जी ने सरसों के 2 किलो बीज के मिनी किट किसानों को प्रदान किए। कृषि पर्यवेक्षक करमवीर गोदारा ने बताया कि चूरू जिले में लगभग 10,000 सरसों के मिनी किट सिंचित किसानों को प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर बीमा प्रतिनिधि अजीत चौधरी, कृषि पर्यवेक्षक राम प्रताप कसवा, कनिष्ठ लिपिक सत्य प्रकाश मीणा आदि मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत घांगू में कृषि विभाग द्वारा निःशुल्क सरसों का बीज वितरण किया जा रहा है। सरसों की किस्म है RH761 जो इसार यूनिवर्सिटी से निकाली गई है। यह किस्म बहुत ही उपजाऊ उपयुक्त अनुकूल है अपने क्लाइमेट के हिसाब से, बहुत बढ़िया किस्म है और ये निःशुल्क वितरण की जा रही है कृषि विभाग के द्वारा। मेरा नाम करमवीर गोदारा, कृषि पर्यवेक्षक धांगू। परिवहन आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने आज जिला परिवहन कार्यालय चूरू का निरीक्षण कर DTO एवं उड़न दस्तों को चालू वर्ष में आवंटित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कार्यालय में साफ सफाई एवं कार्यालय रिकॉर्ड का अच्छी तरह से संधारण करने तथा कार्यालय में बनने वाले लाइसेंस एवं वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र समय पर वितरित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उड़न दस्तों को सड़क सुरक्षा के लिए विशेष रूप से सघन जांच, सीट बेल्ट, हेलमेट आदि लागू करने की भी हिदायत दी तथा सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करने पर विशेष बल दिया ताकि होने वाली वाहन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस मौके पर DTO ओम सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी प्रथम नंदलाल सिंह, सुरेश विश्नोई आदि मौजूद रहे।
आज मेरे द्वारा जीरो DDO ऑफिस का है ना एक आकस्मिक निरीक्षण किया गया और उनके विभागीय गतिविधियाँ उनकी समीक्षा की और उनको विभागीय कार्य जो सरकार की मंशा है, सरकार की बजट घोषणाएँ हैं, रोड सेफ्टी का कार्य है और अन्य सभी कार्य है, एनफोर्समेंट का कार्य है, हम मुस्तैदी से करें और अपने लक्ष्यों को पूरा करें। इससे निर्देश दिए, कैंपस में साफ सफाई और कैंपस को व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए हैं और हमारा जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक है उसका भी अवलोकन किया। शीघ्र ही हम इसको चालू ऑटोमेटिक सिस्टम पर चालू स्टेट लेवल से हम कर रहे हैं क्योंकि नए अभी हमारे पास काफ़ी जगह पर ये ऑफिस बन के तैयार हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम है वो जनता की सेवा और जनता के कार्य समय पर पूरा करेगी और किसी प्रकार की कोई शिकायत का या कोई किसी प्रकार का काम करने में लापरवाही का मौका नहीं देगी। मुझे पूरे टीम ने यह आश्वस्त किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा स्टाफ अच्छा काम करेगा। आपका नाम सर? मैं KL स्वामी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में DRSU प्रभाग द्वारा समावेशी शिक्षा के लिए श्रवण बाधित व दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण के संदर्भ में प्रशिक्षण का शुभारंभ आज प्राचार्य गोविंद सिंह राठौर ने किया। गोविंद सिंह ने बताया कि समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकताओं वाले बालक बालिकाओं हेतु शिक्षा का ऐसा मॉडल है जिसमें सामान्य विद्यालय के वातावरण को बालक की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वांगीण रूप से ढाला जाता है। रतनगढ़ के पढ़िहारा कस्बे में मेगा हाईवे पर संचालित श्री पढ़िहारा गौशाला समिति की बैठक आज ठाकुर जी मंदिर प्रांगण में आयोजित हुई। समिति के अध्यक्ष आनंद मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में गोपाष्टमी पर्व पर होने वाले धार्मिक आयोजनों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि 28 से 31 अक्टूबर तक 4 दिवसीय नानी बाई का मायरा की कथा, 3 दिवसीय पंचकुंडीय विष्णु सहस्त्र नाम महायज्ञ का आयोजन तथा 1 नवंबर को गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने अपनी सहमति जताई। इस अवसर पर बहादुर सिंह, बजरंग जोशी, बाबूलाल देराश्री आदि मौजूद रहे। जय गो माता, जय गोपाल। आज श्री पढ़िहारा गौशाला संस्थान की आम मीटिंग थी जिसमें आगामी गोपाष्टमी प्रोग्राम जो 1 नवंबर को होने वाला है उस पर चर्चा की गई और सभी की सहमति से 4 दिन का नानी बाई का मायरा और उसके बाद में 1 दिन का गोपाष्टमी का कार्यक्रम मनाने का निश्चय किया गया और 3 दिन का या 4 दिन का साथ में हवन भी, 5 कुंडी हवन भी रहेगा, ऐसा निर्णय सबका था और लगभग आज 30 सदस्यों की उपस्थिति मीटिंग में थी और बहुत ही अच्छे वातावरण में मीटिंग संपन्न हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आज जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में योजना से जुड़े विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए ADM लोकेश गौतम ने कहा कि समय के साथ समाज में बहुत बदलाव आया है लेकिन फिर भी इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है कि महिलाओं एवं बालिकाओं को एक बेहतर माहौल मिले तथा समुचित पोषण मिले। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जागरूकता गतिविधियों की भी अहम भूमिका हो सकती है। बैठक के दौरान महिला सुरक्षा एवं सखी केंद्र संचालक संस्था का चयन किया गया तथा केंद्र के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, एडिशनल SP देवानंद, CEO हरिराम चौहान आदि मौजूद रहे। चूरू के KGBV छात्रावास में जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज ब्लॉक स्तर पर किशोरी मेला उत्सव में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की छात्राओं ने भाषा विज्ञान प्रौद्योगिकी समसामयिक गतिविधि पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया। प्राथमिक व माध्यमिक की विजेता छात्राओं को अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे APC रामनिवास पुनिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा मेरी बेटी मेरा सम्मान की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कार्यक्रम अधिकारी अविनाश सहारण, कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र महला, KGBV संस्था प्रधान विमला देवी आदि उपस्थित रहे। 100 बच्चियों को यहाँ पर प्रशस्ति पत्र और कैप टी शर्ट प्रतीक चिन्हों के साथ सम्मानित किया गया और इन सभी ब्लॉक से आई हुई बच्चियाँ थी जिन 42 बच्चियों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर 6 बच्चियों का राज्य स्तर के लिए 6 बालिकाएँ जिन्होंने किशोरी उत्सव में साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में और किसी हिसाब से 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस KGBV
के प्रांगण में आयोजित किया गया। इसमें हमारे जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में इस चूरू जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। रतनगढ़ की श्रीमती केशरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय की अध्यक्ष पुनीता चौमाल द्वारा महाविद्यालय में लंबे समय से चल रहे रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर आज प्रभारी मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर पूजा भाटी, दिव्या राठौड़, उमा चौहान आदि छात्राएं मौजूद रही। कन्या महाविद्यालय की अध्यक्ष पुनीता चौहान रतनगढ़ से। मैं हमारे कॉलेज में काफ़ी समय से कॉलेज के लेक्चरारों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण मैं आज समस्या लेकर जिला कलेक्टर साहब के पास में आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी मांगें पूरी करें और हमारे मतलब कॉलेज में स्टाफ की पूर्ति करें, ताकि लड़कियों को पढ़ाई में समस्या न हो। हज़ार बच्चियों का सवाल है या उनकी शिक्षा का सवाल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो। अम्बेडकर चिकित्सा संघ चूरू द्वारा आज जिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र चूरू के प्रिंसिपल बनने पर डॉक्टर कुलदीप सिंह मेहरोग का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा मोमेंटो भेंट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी रेवंतमल माहिश ने कहा कि इनके प्रिंसिपल बनने से नर्सिंग क्षेत्र में निरंतर प्रगति होगी। नर्सिंग अधिकारी विनोद माहिचा ने बताया कि डॉक्टर मेहरोग का नर्सिंग क्षेत्र में निरंतर सराहनीय योगदान रहा है, जिसमें इन्होंने CHO के लिए BPCCCHN कोर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर एवं चूरू जिले के प्राइवेट GNM नर्सिंग सेंटर की परीक्षा हेतु परीक्षा सेंटर ANM ट्रेनिंग सेंटर चूरू में लाने के लिए अथक प्रयास किया है, जिसका परिणाम है कि CHO प्रशिक्षण एवं GNM परीक्षा ANM ट्रेनिंग सेंटर चूरू द्वारा करवाई जा रही है। इस अवसर पर नर्सिंग अधिकारी सुनील गरवा, संदीप चौहान, पंकज धूलपुरिया आदि उपस्थित रहे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने आज 3 नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया वे विनोद थारवान ने बताया कि चूरू शहर में ओम प्रकाश सपड़ की फर्म पवन कुमार सफर से मसाले व पापड़ के 2 नमूने लिए गए। वहीं फर्म श्रीनिवास सोम प्रकाश चूरू से घी का 1 नमूना लिया गया। सभी व्यापारियों को शुद्ध खाद्य सामग्री बेचने के लिए पाबंद किया गया है। चूरू के श्री ओंकारमल सराफ आदर्श विद्या मंदिर में आज विद्यालय की अभिभावक सरोज सैनी व सुमन सैनी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। प्रधानाचार्य भवनलाल प्रजापत ने बताया कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। यह हानिकारक गैसों को अवशोषित करके जलवायु को शांत रखते हैं, साथ ही जल प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। इसके निमित्त ही विद्यालय में अनेकों अभिभावक भी विद्यार्थी के जन्मदिवस के अवसर पर विद्यालय में वृक्षारोपण करके जाते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के आचार्य बाबूलाल प्रजापत, लालचंद सरवा, पार्वती शर्मा, रेखा प्रजापत आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ पुलिस ने शहर से एक नाबालिग साइकिल चोर को निरुद्ध करते हुए उसके कब्जे से लगभग 1 दर्जन साइकिलें बरामद की है। मामले के अनुसार अशोक स्तंभ के पास स्थित आर्या पब्लिक स्कूल से पिछले 20 दिनों में विद्यार्थियों की 3 साइकिलें चोरी हो जाने के बाद स्कूल प्रशासन सतर्क था। स्कूल संचालक अंबिका प्रसाद हारित आज जैसे ही स्कूल से बाहर आए तो उन्हें 2 बच्चे संदिग्ध दिखाई दिए, जिस पर उन्होंने उनसे पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने अपना गाँव जालेऊ बताया। वहीं दूसरी तरफ साइकिल चोरी होने की घटना स्कूल के CCTV कैमरे में कैद थी, जिस पर हरित ने स्कूल में गांव जालेऊ के अध्ययनरत बच्चों को बुलाकर CCTV फुटेज दिखाए तो गांव के बच्चों ने उन 2 नाबालिगों को पहचान लिया, जिस पर हरित ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर एक नाबालिग मौके से फरार हो गया, वहीं दूसरे को पुलिस अपने साथ ले आई। रतनगढ़ के पढ़ियारा कस्बे में 20 वर्षीय युवती को भगाकर ले जाने तथा साथ में नकदी व सोने चांदी के आभूषण की चोरी कर लेने का मुकदमा आज पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने पढ़ियारा निवासी 65 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में व्यक्ति ने बताया कि गांव का एक युवक बीती रात उसके घर में जबरन प्रवेश कर घुस गया तथा कमरे में सो रही उसकी 20 वर्षीय पुत्री को भगा कर ले गया। इस दौरान युवक ने कमरे में रखे 7,500 रुपये नकदी, 1 जोड़ी पाजेब, सोने की रखड़ी व झुमको की भी चोरी कर ली। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।